2018 के विधानसभा चुनाव और मरवाही उपचुनाव में जबरदस्त सफलता के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 2023 की तैयारी शुरू कर दी है। 2018 का इतिहास दोहराने के लिए संगठन को मजबूत करने की कवायद की जा रही है। जल्द ही प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक लेवल तक कांग्रेस संगठन बदला बदला सा नजर आएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, 3 साल का वक्त बाकी है, लेकिन कांग्रेस अभी से मिशन 2023 के लिए तैयारी करने में जुट गई है। 2023 में फिर से सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने अभी से विसात बिछानी शुरू कर दी है और इसके लिए कांग्रेस न केवल अपने संगठन का पुनर्गठन करने जा रही है बल्कि इसका विस्तार करने की योजना भी बना रही है। 306 नए ब्लॉक अध्यक्ष के साथ ही सभी 35 संगठन जिलों में कार्यकारिणी को नए सिरे से गठन करने की चर्चा है। पिछले 4 दिन से लगातार इसको लेकर चर्चा जारी थी और मैराथन बैठक के बाद संगठन के ढांचे को मंजूरी दे दी गई है। 2023 को हम लोगों को संगठन के माध्यम से तैयारी लड़ना है। 2 साल माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के 17 दिसंबर को पूरा हो रहे हैं, तो हम ऐसे कार्यकर्ताओं को ब्लॉक अध्यक्ष बनाना चाहते हैं जो संगठन की बात, सरकार की बात अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। इसके लिए विस्तार से चर्चा हुई है, तो कहीं ना कहीं हम समय जरूर लग रहा है मगर हम विस्तार से चर्चा करके ही अंतिम नामों पर मुहर लगा रहे हैं। संगठन के पुनर्गठन का काम आसान नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाले दिग्गजों और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से संगठन में नियुक्तियां की जानी थी, लेकिन लंबी माथापच्ची के बाद कांग्रेस ने इस काम को पूरा कर लिया। कल संगठन के संदर्भ में चर्चा हुई और सभी हमारे वरिष्ठ जनों से मीटिंग हुई है और मैं समझता हूँ संगठन को मजबूत करने के लिए ये जरूरी पहल थी जिसको सब लोगों ने मिलकर किया है और सर्वसम्मति से ये फैसले हुए हैं। संगठन में नए पद पाने वाले कांग्रेस सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। कांग्रेस की नई फौज मिशन 2023 को फतेह करने के लिए मैदान में जुटेगी, लेकिन सत्ता और संगठन किस तालमेल के साथ मैदान में उतरेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर।